हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ऑयली स्किन वाले बेस कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेस अप्लाई किया है, नो आई शेडो, नो कॉन्ट्रोलिंग, नो लिपस्टिक, कुछ भी नहीं है मेरे फेस पे, सिर्फ और सिर्फ बेस है। तो मैंने इसमें बताया कि आपको बेस कैसे अप्लाई करना है अगर आपकी ऑयली स्किन, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि बेस कैसे अप्लाई करते थे, उसमें इतनी रिक्वेस्ट आई कि ऑयली स्किन वालों के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए। मैंने सोचा चलो ठीक है भैया, ऑयली स्किन वालों के लिए बता दिया। तो अगर आपको जानना है कि ऑयली स्किन वालों के लिए बेस कैसे अप्लाई होता है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं भी मिस नहीं करना है, तभी आपको हेल्प मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल जरा सा भी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप लोग से मिस ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑयली स्किन वालों को फ्लॉलेस बेस के लिए क्या लगाना चाहिए, तो उनको सबसे पहले टोनर लगाना चाहिए, क्योंकि टोनर आपकी जो पोर्स वगैरह होता है या फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह होता है तो उसे जो है मिनिमाइज़ कर देता है, इसलिए टोनर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे यूज़ करी गुड वाइब का रोज़ ग्लो टोनर, ये आपके फेस को इंस्टेंट जो है ग्लो दे देता है और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, ये 175 का है। बट आप जब इसको क्या कहते हैं चेकआउट करोगे तो इस पर शायद डिस्काउंट भी चल रहा हो। तो सबसे पहले इस तरीके से अच्छे से अप्लाई कर ले एंड हल्का से इसे हाथों से ऐसे फेर ले, देन इसको सूखने दे। मेरा जो है टोनर सूख चुका है और अब बारी है मॉइस्चराइजर की। तो ऑयली स्किन वाले हमेशा ध्यान रखें कि उनका जो मॉइस्चराइजर होना चाहिए वो बहुत ही वाटर बेस्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक ना हो, बहुत ज़्यादा जल्दी से एब्जॉर्ब हो के ड्राई हो जाए ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटर बेस्ड ऑयल बेस्ड रहेगा तो आपका मेकअप बहने का डर रहेगा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम 24 आवर मॉइस्चराइजर लॉक। तो ये बहुत ही लाइट वेटेड होती है, तो हमेशा ऑयली स्किन वालों को लाइट वेट ही मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए। तो आप वहाँ पे मॉइस्चराइजर लगाओ जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि आपका जो है मेकअप यहाँ से बहने का डर है तो वहाँ पे मत लगाओ, वहाँ पे लगाओ जहाँ पे हल्का हल्का सा आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ड्राई ड्राई सा लगेगा। बहुत से लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, यहाँ पे सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाएं। और जहाँ पे आपके ऑयल ज़्यादा था, यहाँ ऑयल आता है, नोज़ पे ऑयल आता है, यहाँ ऑयल आता है, यहाँ पे तो थोड़ा सा अवॉइड करें, हल्का हल्का सा बदल कर लें और बाकी में अच्छे से अप्लाई कर लें। देन इसको 10 to 20 सेकेंड के लिए छोड़ दें, उसके बाद 10 to 20 सेकेंड के बाद आप इस पर अप्लाई करिएगा प्राइमर। मैंने यहाँ पे लिया है स्टेगवायकी का प्राइमर और ये प्राइमर बहुत ही अच्छा प्राइमर होता है, क्योंकि बहुत अच्छे से स्वेटिंग वगैरह को रोकता है और आपके जो पोर्स वगैरह होते हैं उसको मिनिमाइज करता है, तो ये इसका काम बहुत अच्छा है गाइज। तो अफोर्डेबल भी है और आप वहाँ पे ज़्यादा फोकस करिए जहाँ पे आपके ऑयल ज़्यादा आता है, यहाँ पे आपको बहुत आता है। जैसे मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे इतने अच्छे से पता नहीं कि कहाँ पे आता है, तो जहाँ जहाँ भी आपको अच्छे से ऑयल ऐसा लगे ऑयली सी स्किन हो रही है, यहाँ यहाँ से निकलने का डर है, तो वहाँ पे आप अच्छे से प्राइमर अप्लाई करिए। प्राइमर अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसा कोई लूज पाउडर लेना है या फिर आपके पास कोई बेबी पाउडर हो, जॉनसन्स बेबी, हिमालय, जो भी आपके पास हो, कोई भी बहुत लाइट वेटेड सा जो है कॉम्पैक्ट लूज पाउडर होना चाहिए। मोस्टली बेबी पाउडर बहुत ही लाइट वेट होता है, तो हमेशा अगर आपके पास ऐसा कोई लूज पाउडर नहीं है तो आप बेबी पाउडर यूज़ करिए। और इससे मैं ये स्टेप पहले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो लूज पाउडर है वो आपके जो है पोर्स वगैरह जो होते हैं या फिर जहाँ पे स्वेटिंग वगैरह होती है उसको लॉक कर देता है, तो इस वजह से सबसे पहले आपको हल्का सा लेकर, आई नो कि मुझे अभी ये ब्लेंड नहीं होगा क्योंकि मेरी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, मैं कोशिश करूँगी, तो इस तरीके से आप यहाँ अप्लाई करिए लूज पाउडर बहुत ही हल्का हल्का सा।
आईज पे, क्योंकि यहाँ पे क्रीज लाइन बहुत बनती है और इस जगह लोगों की इस जगह से पसीना छूटता है ना, मेरे तो नहीं छूटता लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा छूटता है, तो यहाँ पे अच्छे से अप्लाई करें। इस तरीके से अप्लाई कर लें तो ये हो गया। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही स्टेप है ऑयली स्किन वालों के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपका बेस जो है बहे ना, निकले ना, सेट रहे अपनी जगह पे, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको करना है इसके ऊपर सेटिंग स्प्रे। तो मैं ये उन लोगों के लिए सेटिंग स्प्रे जो इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ, उन लोगों के लिए जिसकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो ये स्टेप आप जो है स्किप कर दीजिएगा, इसके ऊपर फाउंडेशन लगाइएगा। मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेकअप फिक्सर नेचुरल एलोवेरा विथ विटामिन ई, ये स्विस ब्यूटी का, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत अच्छे से करता है, तो इसका बहुत देर तक ये स्टे करता है। ओके, तो ये सेटिंग स्प्रे आपकी स्वेटिंग वगैरह को अच्छे से रोकेगा। और इसे पैट पैट कर लें इस तरीके से, स्पॉन्ज की हेल्प से या फिर आप जो है ब्रश की हेल्प से, किसी की भी हेल्प से कर लें। तो ये अब आपका जो फेस है वो फाउंडेशन लगने के लिए तैयार है। तो आप हमेशा ऐसा फाउंडेशन चूज करो जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए हो। तो ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे अच्छा फाउंडेशन होता है मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद होता है वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन, बहुत से फाउंडेशन। अगर आप चाहते हो कि मैं ऑयली स्किन वालों के लिए डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशन आप लोग को बताऊँ तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहरहाल मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी आज वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन, और मेरा जो शेड है वह गोल्डन बिच, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई होता है गाइज, और ये ऑयली स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है। मतलब इसमें जो दिया हुआ ऐसा तो यहाँ मेंशन नहीं है कि ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए, ये है कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ड्राई होता है, तो इसलिए ये फाउंडेशन मुझे ऐसा लगता है कि ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से अप्लाई कर लें। पहले स्पैचुला इसमें दिया होता है और ये बहुत ही अफोर्डेबल फाउंडेशन है और बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है गाइस। ठीक, कुछ इस तरीके से इन वालों को बहुत ज्यादा बेस नहीं लगाना चाहिए, बहुत हल्का हल्का सा बेस लगाना चाहिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ले रखा है लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप चाहो तो थोड़ा हल्का लो। तो इस वजह से मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये स्टार मेकर का ब्रश है, ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। इस ब्रश का वीडियो मैंने सेपरेट बनाया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख लें। तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर लें और आप देखिए कितनी ईजिली अप्लाई हो गया है। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत ड्राई स्किन है, तो ये ब्लेंड इतने अच्छे से दिक्कत करेगा मुझे ब्लेंड करने में। ओके, ब्रश की हेल्प से जो है पहले स्प्रेड कर लिया, देन इसकी इससे स्पॉन्ज, ये डैम स्पॉन्ज की हेल्प से इसे सेट कर लेंगे, क्योंकि सेटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फाउंडेशन को। अगर आप सेट नहीं करेंगे तो आपका बेस बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगेगा। और गाइज यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हो, ऐसा कुछ नहीं है गाइज, मैं बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं अप्लाई करती हूँ। एक्चुअली मेरी लाइट बहुत ज़्यादा हाई होती है इसलिए आप लोग को ऐसा लगता है, लेकिन मैं जो हूँ अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही सब लगाती हूँ। आपको कैमरे पर ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा लगा ली हूँ, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मैं एक लाइट ऑफ कर दूँगी अगर तो ये सही दिखने लगेगा। वैसे मैं अभी दिखा दे रही हूँ आप लोग को एक लाइट ऑफ करके, मैं यहाँ पे मेरी जो लाइट है वो रिंग लाइट बहुत बड़ी सी है, इस वजह से ओवर रोशनी की वजह से आप लोग को वाइट वाइट से लगता है, बट ये बिल्कुल भी वाइट नहीं है, मेरे लिए बेस्ट है ये। तो इस तरीके से मेरा ये सेट हो गया। ठीक, तो ये आपका जो है बेस फाउंडेशन लग गया।
ये मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर और ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा कंसीलर है। तो आप उस एरिया को अवॉइड करें, लाइक यहाँ पे आपके क्रीज लाइन पड़ जाती है, लाइन लाइन से पड़ जाती है, तो इसको अवॉइड करके आप यहाँ पे हाईलाइट करें अपने एरिया को, मतलब इतना सा छोड़ दें, इतनी सी गैपिंग छोड़ दें, पता नहीं क्या चला गया। तो इस तरीके से अप्लाई कर लें, देन एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से या फिर एक स्पॉन्ज की हेल्प से आप इसे जो है ब्लेंड कर लें। क्योंकि ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा कंसीलर है, इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट कर रही हूँ ये। उसके बाद एक स्पॉन्ज की हेल्प से इसे सेट कर लें। अब आप जो है जो ये गैपिंग छुट्टी थी वो इसके थ्रू उसको फिल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो डायरेक्ट आप वहाँ पे कंसीलर अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपकी लाइन पड़ जाएगी, या फिर आप इसके थ्रू करोगे तो वहाँ पे लाइन नहीं पड़ेगी। ये बेस मेरा लग गया है और अब इसे बेक करना है। तो ऑयली स्किन वालों को हमेशा अपने बेस को जो है सेट बेक करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका बेस जो है लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो जैसे ही आप कंसीलर अप्लाई करो देन आपको तुरंत बेकिंग करने होता है, तो ऐसा कोई लूज पाउडर ले लें या फिर आप बेबी पाउडर भी ले सकते हो, तो इससे भर भर के यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि यहीं पर आपका जो है यहाँ से ही मेकअप निकलता है और यहां से निकलता। यहां से निकलता है और हल्का फुल्का यहां से निकलता है ना। अरे यार इतना ज्यादा मैंने ले लिया। आपको बेक करना लाइक 1 मिनट समथिंग तो करना ही होगा, तब तक आप अपनी आईब्रो वगैरह फिल कर लो। वैसे मैं तो पूरा मेकअप करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस आप लोगों के लिए हल्का सा कर ले रही हूँ, सिर्फ आईब्रो को फिल करूंगी, बस और कुछ नहीं करूंगी। ओके, तो यहाँ पे मेरी आईब्रो फिल हो गई है और अब बारी है, 1 मिनट हो जाएगा तभी आप करिएगा इसको। इसको ऐसे रिमूव कर दीजिएगा। फेस जो थोड़ा सा वाइट लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट है, मैं थोड़ी सी लाइट कम करती हूँ, देन आपको दिखाती हूँ। सेटिंग स्प्रे ऑन ऑन। आप जो भी मेकअप सेटिंग स्प्रे लो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइक स्विस ब्यूटी का अफोर्डेबल के साथ बहुत अच्छा भी है, गाजी उठ गए हैं। उसके बाद इसे अच्छे से इस तरीके से सेट कर लें इस तरीके से, एंड नाउ आपका बेस जो है रेडी हो गया। आई होप कि आपका बेस अब तो नहीं निकलने वाला, जल्दी बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। कितनी हेल्प हुई प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू।